नमस्कार दोस्तों, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। यह परीक्षा पर आज का बड़ी खबर है कि इसमें एग्ज़ाम किस मोड पर लिया जाएगा, ऑफलाइन लिया जाएगा या ऑफलाइन लिया जाएगा या ऑनलाइन लिया जाएगा, इस पर परसों एग्ज़ाम पर खबर है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को आप अंतिम तक देखें, आपके सभी समस्या दूर हो जाएगी। परीक्षाओं पर दोस्तों उच्च शिक्षा विभाग का फैसला कब तक आएगा और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का एग्ज़ाम पर क्या कहना है कि वह किस प्रकार से एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो इस वीडियो में जानेंगे और ये जानेंगे कि कब से होंगे आपके वार्षिक परीक्षा और सेमेस्टर परीक्षाएं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको इस पर वार्षिक परीक्षा कब से होंगे, सेमेस्टर परीक्षा कब से होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम किस मोड पर लिया जाएगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन, इस पर विश्वविद्यालय का क्या कहना है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और उच्च शिक्षा विभाग का फैसला कब तक आएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो यह परसों एग्ज़ाम पर बड़ी खबर है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो यह नवभारत का आज का न्यूज़पेपर है, 31 मार्च 2021 में कहा गया है कि पहला सवाल, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय किस मोड पर एग्ज़ाम लेना चाहता है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय किसी भी मोड से परीक्षा कराने को राजी हो गए, मतलब केवल प्रशासन का ही निर्णय आना बाकी है कि वो ऑनलाइन परीक्षा या ऑफलाइन दोनों में कराने का निर्णय ले चुके हैं, यानी कि रविशंकर विश्वविद्यालय ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में एग्ज़ाम लेना चाहता है। बाकी आदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ही लिया जाएगा कि उच्च शिक्षा विभाग जिस प्रकार से कहेगा छात्रों का एग्ज़ाम ऑनलाइन लेने को या ऑफलाइन लेने को, तो उसी प्रकार से विश्वविद्यालय जो एग्ज़ाम लेंगे। तो इस पर आप लोग का सभी समस्या दूर हो गए कि किस मोड पर एग्ज़ाम होगा। तो केवल उच्च शिक्षा विभाग के आदेश के पश्चात ही रविशंकर विश्वविद्यालय उसी मोड पर एग्ज़ाम लेंगे जिस मोड पर उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ कहेंगे। और आप दूसरा प्रश्न है कि वार्षिक परीक्षा और सेमेस्टर परीक्षा कब से होंगे। तो वार्षिक परीक्षा अप्रैल के अंत या मई से स्टार्ट हो जाएंगे। तो यह तो इस पर अप्रैल के अंत लास्ट सप्ताह या मई में स्टार्ट हो जाएंगे आप लोग के वार्षिक एग्ज़ाम। तो इसी प्रकार दोस्तों, अब देखते हैं उच्च शिक्षा विभाग के आदेश पर। तो उच्च शिक्षा विभाग का शासन के आदेश का इंतजार है, जैसे दोस्तों जारी होता है उसी के हिसाब से एग्ज़ाम लिया जाएगा और स्थगित परीक्षाओं पर जल्द फैसला को उम्मीद भी आना है। यह दोस्तों कोरोना के मामले बढ़ते को देखते हुए चिंतित और सेमेस्टर परीक्षा स्थगित होने के बाद छात्रों में असहमत जो है पैदा हो गए। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय ने ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन परीक्षा कराने की भी तैयारी जो है कर लिया गया है। स्थगित परीक्षा पर जल्द निर्णय लिया जाने की उम्मीद है और वार्षिक परीक्षा 10 अप्रैल के अंत या मई में शुरू हो सकती है, जिसमें 19 अप्रैल तक परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया चलेगा, जो 19 अप्रैल तक चलेंगे एग्ज़ाम फॉर्म भरने का। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उच्च शिक्षा के अकेडमी कैलेंडर इस बार भी बेपटरी पर हो गए, यानी कि तितर बितर हो गए से। और सेमेस्टर परीक्षा कराने के बाद 10 अप्रैल से वार्षिक परीक्षा कराने की योजना थी, लेकिन सेमेस्टर परीक्षाएं अटक गईं और परीक्षा फॉर्म भरने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए 12 अप्रैल तक तथा अब पूरक और पुनर्मूल्यांकन वालों को 19 अप्रैल तक फॉर्म भरने का मौका जो है दिया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों अब सेमेस्टर एग्ज़ाम स्थगित हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों स्थगित होने के बाद परीक्षाओं को लेकर उच्च स्तर से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। तो होली से पहले का परीक्षाओं को लेकर एक फर्जी पत्र जो है जारी हुआ था, इसके बाद जो तो अधिकारी ने पत्र जारी करके कहा था कि यह फर्जी पत्र इस प्रकार से विश्वविद्यालय के द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। इसी प्रकार दोस्तों अब उच्च शिक्षा विभाग जो है उच्च शिक्षा विभाग निर्णय नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग कोरोना की स्थिति को देखते हुए त्वरित निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। इस पर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्टल बंद करने के निर्णय लेने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए अब तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया, जिसमें दुर्ग जिला प्रशासन ने कॉलेज में भीड़ को कम करने के लिए हार्ड कॉपी जमा करने पर जो है रोक लगा दिया गया था। यह निर्णय सभी यूनिवर्सिटी के लिए शिक्षा विभाग ले सकता था, लेकिन नहीं लिया। स्थगित परीक्षाओं को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने निर्देश जो है जारी नहीं किया गया है। दोस्तों उच्च शिक्षा विभाग का आदेश जो है जल्द ही जारी हो सकता है, जैसे जारी होगा तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दिया जाएगा कि उच्च शिक्षा विभाग किस प्रकार से एग्ज़ाम लेने को कह रहा है।
दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें सभी तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे तो उच्च शिक्षा विभाग का आदेश आता है तो आप सभी को वीडियो के माध्यम से जानकारी दिया जाएगा कि किस प्रकार से एग्ज़ाम लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहेगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर, जैसे वीडियो अपलोड होगा तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से विश्वविद्यालय जो है किसी भी मोड में एग्ज़ाम लेने को तैयार हो गए हैं। यह केवल आदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ही लेना है कि किस प्रकार से छात्रों का एग्ज़ाम लेंगे।